हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है 8 mm से 40 mm का सरिया घर के लिए कौन सी सरिया कहाँ कहाँ पर लगाना चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मान लीजिए फ्रेंड, अगर हम बात करेंगे 8 mm का सरिया, 8 mm का सरिया कहाँ कहाँ पर यूज करना चाहिए, किस जगह आपको यूज करना चाहिए, किस काम में आपको यूज करना चाहिए 8 mm का सरिया। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए फ्रेंड 8 mm का सरिया आप रिंग बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, यानी कि कॉलम का रिंग और बीम का रिंग आप बना सकते हैं 8 mm का सरिया से। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 10 mm का, 10 mm का सरिया कहाँ पर यूज करना चाहिए, यानी कहाँ कहाँ पर आपको लगाना चाहिए। तो आपको स्लैब में लगाना चाहिए और एस्टेयर यानी कि सीढ़ी में आपको राइजर और ट्रेड में 10 mm का सरिया लगाना चाहिए, और छज्जा में भी आपको 10 mm का सरिया यूज करना चाहिए, और अलमीरा यानी कि अलमारी में आप कभी भी बना रहे हैं अलमारी या छज्जा, तो आप 10 mm का सरिया का यूज कर सकते हैं यानी कि लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 12 mm यानी कि 12 mm का सरिया कहाँ पर यूज करना चाहिए, तो आपको फुटिंग में भी आपको करना चाहिए, यानी कि 1 से 2 मंजिला घर बनाने के लिए आप फुटिंग में 12 mm का सरिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, और प्लिंथ बीम में आप यूज कर सकते हैं और बीम में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 16 mm का, 16 mm का सरिया कहाँ पर यूज करना चाहिए, तो आपको फुटिंग में करना चाहिए और कॉलम में और प्लिंथ बीम और बीम में आपको यानी कि 16 mm का सरिया यूज करना चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे हम 20 mm का, 20 mm का सरिया कहाँ कहाँ पर आपको यूज करना चाहिए यानी कि लगाना चाहिए, तो आपको फुटिंग में बहुत ही फुटिंग में यूज करना चाहिए, और कॉलम में और प्लिंथ बीम और बीम में आपको करना चाहिए, यानी कि 20 mm का सरिया। ठीक है, और 25 mm की बात करेंगे फ्रेंड, यानी कि 1 से 6 मंजिला से 5 मंजिला घर बनाने के लिए आपको फुटिंग में 25 mm का सरिया आपको फुटिंग में देना चाहिए, और कॉलम में देना चाहिए, और प्लिंथ बीम और बीम में आपको लगाना ही चाहिए आपको 25 mm का सरिया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 32 mm का, तो 32 mm का सरिया आपको फुटिंग में और कॉलम में और प्लिंथ बीम और बीम में आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 40 mm का सरिया, तो 40 mm का सरिया आपको कहाँ कहाँ आपको यूज करना चाहिए, तो आपको ज़रूरी है फुटिंग में और कॉलम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि 40 mm का सरिया कहाँ कहाँ पर आपको देना चाहिए, किस जगह देना चाहिए, तो आपको यानी कि फुटिंग में और कॉलम में और प्लिंथ बीम और बीम में चाहिए, यानी कि यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जान लीजिए 8 mm से लेकर 40 mm का सरिया कहाँ कहाँ पर आपको यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप याद कर लीजिए और देख लीजिए, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है।